कोई क्या कहेगा। यह सोच हमारे व्यक्तित्व पर जब तक हावी होती है ना, तब तक ना तो हम अपना विकास कर पाते हैं और ना ही सामाजिक विकास में अपनी कोई भूमिका को निर्धारित कर पाते हैं। ये कहना है इस पॉडकास्ट के लेखक और मिसफिट लाइफ चैनल के सीईओ गिरीश बिल्लोरे मुकुल का। नमस्कार, मैं सूर्यांश नेमा फिर से उपस्थित हूँ जीवन से जुड़े विषय को लेकर, और आज का विषय है लोग क्या कहेंगे। हम देखते हैं कि जीवन में सफलता असफलता, जय पराजय, ऊंच नीच, ऐसे शब्दों को हम प्रतिपल जीते आए हैं। और फिर मध्यम वर्ग में एक ऐसी पारिवारिक व्यवस्था होती है जहां हमें लोग क्या कहेंगे ऐसे सवाल की सीमाओं में बांध दिया जाता है। शायद इसी से प्रेरित होकर फिल्म अमर प्रेम के गीत को लिखा होगा मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। अच्छा, इस गीत को गाया भी उसी भाव से स्वर्गीय किशोर कुमार जी ने, और राहुल देव बर्मन जी का संगीत भी मैच कर गया, और अपने काका ये यानी राजेश खन्ना जी और शर्मिला टैगोर जी के अभिनय ने चार चांद लगा दिए थे। वास्तव में हम ना ये लोग क्या कहेंगे इस डर से कुछ भी करने खुद को तैयार नहीं कर पाते। अक्सर आपसी चर्चाओं में सुनते होंगे, भाई संभल के काम करो, संभल के ये करो, संभल के वो करो, वरना चार लोग क्या कहेंगे। मित्रों, मैंने जब से हो संभाला है ना, तब से अब तक उन कमबख्त चार लोगों को तलाश रहा हूं जो कुछ कहते हैं। मुझे तो नहीं मिले, आपको मिले ना तो जरूर बताइएगा। कुछ दिन पहले एक विज्ञापन आया करता था जिसकी टैगलाइन थी डर के आगे जीत है। इस क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट की टैगलाइन एक फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। यकीन करना ही होगा कि वे चार लोग कभी नहीं मिलेंगे जो आपके कामकाज पर सामने से टिप्पणी करें या कुछ कहें। अगर आपका उनसे सामना नहीं हुआ तो फिर भाई डर किस बात का। ये तरह तरह की बातें करना, आपके व्यक्तित्व पर लांछन लगाना, आपकी शिकायत करना, ये लैग पुलिंग करना, ये सब कायरों की खास पहचान है। और ये चार लोग जो होते ना, ये कभी आपके सामने नहीं आएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप डरते क्यों हैं। करिए ना जो आप सोच रखे हैं, आपको रोकता कौन है। आपको यही विचार रोक रहा है ना कि ये चार लोग क्या कहेंगे, है ना। हाँ, काम कैसे करना है या अपने सपनों या किसी कार्य मुकम्मल करना है तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो दुनिया की चिंता छोड़नी होगी और गुनगुनाना है अमर प्रेम का वही गीत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को कहीं बीत न जाए रहना। और फिर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए काम को शुरू कर देना है। सच में साहसी जुनून से भरे होते हैं, जैसे दशरथ मांझी, सुभाष चंद्र बोस और भी हजारों लोग, ये जो सपना देखते हैं फिर उसे पूरा करने के लिए शपथ लेते हैं और फिर जुट जाते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। या हम खुद को चार लोग क्या कहेंगे अथवा लोग क्या कहेंगे इस परिधि में रखकर ना सोचने लगते हैं और ना अवसर को खो देते हैं। ये स्वीट मार्टिन ने अपनी किताब अवसर बीता जाए में कहा है कि कितना भी बुरा वक्त हो, अच्छा अवसर जरूर आता है। चार लोग क्या कहेंगे, ये कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग उस अवसर को भी छोड़ देते हैं।
फिर उम्र के खास मुहाने पर आकर ऐसे लोग हताशा कुंठा में डूबकर दुनिया पर दोषारोपण। अच्छा, आपको एक किस्सा बताता हूँ। कॉलेज के दिनों की बात है। जिस मोहल्ले में मैं रहता था ना, उस मोहल्ले में एक पेपर बांटने वाला भी रहा करता था। उस युवक का नाम था हुकुम, जो अक्सर मेरे बड़े भाई साहब से किसी अच्छी कंपनी या दुकान में नौकरी लगाने का निवेदन करता था। भाई साहब ने लगभग 10 जगह उसे नौकरी दिलवाई और अपनी गारंटी तक दी थी भैया ने, परंतु जब 11वीं बार हुकुम नौकरी की सिफारिश के लिए आए तो मेरी बारी थी। मैंने पूछा, 10 जगह तुमने नौकरी छोड़ी, इसका कारण तो बताओ, और हर नौकरी मुश्किल से तुम एक सप्ताह तक करते हो। फिर बड़े भाई साहब ने कहा, इन्हें नौकरी लगवाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये केवल एक ही काम जानते हैं और वो है पेपर बांटना। इसके बाद आप इन्हें अगर सरकारी नौकरी भी लगा देंगे ना, तो ये ज्यादा दिन काम ना कर पाएंगे। मुझसे लगभग चिढ़कर उसने सिलसिलेवार अपने मालिक की निंदा की और अपनी तकलीफों को ही सर्वोपरि बताया। मित्रों, सामान्य रूप से लोग एक बार जो कंफर्ट जोन तय कर लेते हैं ना, उस कंफर्ट जोन से निकलते ही नहीं। मित्रों, आप बताइए कि आप कोई कंफर्ट जोन में तो नहीं है ना, या फिर आप उन चार लोगों से डरे हुए तो नहीं हैं, या आप अपनी पराजय से तो नहीं डरते? अगर ऐसा है तो आप अपने मन से तुरंत इन दुर्गुणों को हटा दीजिए। अपनी सार्वजनिक और सरकारी जीवन में मैंने ऐसे बहुत लोगों का सामना किया है और कर भी रहा हूं, जो यहां वहां की बातों में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। उनसे एक निरापद दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। असफलता, पराजय, अपमान, इन सबको अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। अपनी असफलताओं, पराजयों एवं अपमानों को अगर आप अपने दिल पर लेंगे ना, तो आप बीमार हो सकते हैं, और ये बीमारी शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह से हो सकती है। असफलताओं, पराजयों और अपमानों को अपनी बुद्धि को सौंप दीजिए। आपकी बुद्धि इनका विश्लेषण करेगी। बौद्धिक विश्लेषण से आप एक ऐसे निर्णय पर पहुंचेंगे जो आपके लिए आत्मसंतोष और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो करेगा। मित्रों, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमारा पढ़ना लिखना भी अर्थहीन है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, टिप्पणी में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर चटका जरूर लगाइएगा।